जो वो जमाना बड़ा नायाब था, तो ना तो वो हमें जानते थे ना उन्होंने हमें सुना था, तो वो तो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट थे कि साहब मैं जब तक सुनूं नहीं तो प्रोग्राम नहीं रख सकता। आज के दौर के हिसाब से प्रोग्राम थोड़ी होते हैं ये, तो आज तो हम भी प्रोग्राम करते हैं, उस वक्त तो ये होता था कि वो पारखी लोग भी थे, जी समझते थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि कुछ सुनवाइए, हमारे वाली साहब के दोस्त अब्दुल रशीद साहब थे, तो वो चचा हमारे बोले कि हाँ सुन लो। पहले तो ये होता था ना, आज तो आदमी कहता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं गाऊंगा, मेरे पास साज नहीं है, मूड नहीं है, हम इसको नहीं मानते था मूड को और बिल्कुल साज को। साज उसका दिया हुआ ये रहा, मूड तो एवरी टाइम मूड। सही बात है। तो वो उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ कोई गजल सुना दीजिए, तो हमारे वाली साहब गाया करते थे, तो हमने वो गजल सुना दी थी उनको। ऐ जज्बाए दिल कर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, खुद सामने मंजिल आ जाए, ये पुराना तो वो एक सुनने के हिसाब से बड़े खुश हो गए कि भाई ये तो माशाल्लाह अच्छा गाते हैं। फिर एक पूरी महफिल हुई हमारी, और आपको ये सुन के और हैरत भी होगी, खुशी भी होगी, ताज्जुब भी होगा। पिछले ज़माने में जो सिस्टम था वो ये था, होता था कि रात को 7-8 बजे बाद महफिलें शुरू होती थी, और सुबह तकरीबन जब अज़ान हो या अज़ान के बाद भी या मंदिर के घंटियां बज जाएं उसके बाद भी प्रोग्राम जारी रहते थे। जब सुनने वाले बिल्कुल अपने आप में मदहोश हो जाते थे, महवियत में छा जाते थे, उस वक्त वो इख्तिताम होता था, दी एंड होता था उसका। 1965 में हमारे पिताश्री ले जाते थे सारण, अच्छा अहमदाबाद से आगे 30 किलोमीटर है, तो वहाँ के जो ठाकुर साहब थे राजा जयवंत सिंह जी, उनके नाम की कई राग भी हैं, जी जयवंत की टोली, जी जी जयवंत सारंग, तो बड़े काबिल शख्सियत थे। वहाँ हमने आगरा घराना के विलायत खास हुसैन खां साहब, शराबत हुसैन खां साहब, पंडित मणिराम जी, दसराज पंडित जी के, प्रताप नारायण जी जी, जी जसराज जी, इनकी कसम होती जसराज जी के, इनका नाम था पूरनचंद पूरनचंद, बहुत नायाब गाते थे। तो ऐसा ऐसा गाना बजाना साहब वो हमने वहां सुना कि आज तक कानों में वो सदाएं आती हैं, क्या क्या फनकार और क्या क्या लोग महान हमने सुन ली। अच्छा, ये लूना पर बैठकर और जयपुर में घूमने की क्या कहानी है? ये कहानी जरा बताइए, क्योंकि लोग इस कहानी को जानना चाहते हैं। देखिए मोपेड का घूमने, लूना भी शायद हाँ वो थी हीरो हमारा मैजिस्ट्रेट, हीरो मैजिस्ट्रेट, लूना हाँ बात एक ही है, हाँ बात दो वही हुई। स्टाइल चलते थे, एक लूना चलती थी, एक हीरो मैजिस्ट्रेट चलता था। बेसिकली क्या आया था कि हमने स्ट्रगल बहुत कर डाला, वालिद साहब ने कराया जान के जी कि आप दुनिया को करीब से देखिए। मैं एक तो जब 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 हमारे ऑडिशन हुए, वालिद साहब ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट थे, जब जब हमारे ऑडिशन हुए तो उन्होंने कहा अगर ऑडिशन नहीं दे सकते हो तो बिल्कुल ना दो, देना है तो तैयारी करके जाइए, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। इवन जिस दिन इंटरव्यू हमारे वो ऑडिशन होते थे उस दिन वो छुट्टी भी ले लिया करते थे। तो 1970 में हमें बी ग्रेड मिली, अच्छा 1975 में हमें ए ग्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से एक ऑनर मिला, जी ए वो ऑडिशन हुआ हमारा, उसमें आए। उसके बाद हमें 1990 में जी हाँ वो फिर हमें एक ऑनर मिला जो पिछले ज़माने में चलता था, टॉप ग्रेड। टॉप ग्रेड का हमने कोई ऑडिशन नहीं दिया, एक ज़माने में ही चलता था। उस लिस्ट में आशा भोसले जी, हम लोग, सुरेश वाडकर साहब, बाला साहब पूछवाले, ये एक लिस्ट थी जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद है। तो कहने का मतलब है साहब 70 में जो आपकी हमारी बात चल रही थी, क्या 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 फरमा रहे, मोपेड हाँ मोपेड,
मोबाइल में ये है कि उन्होंने कहा भाई आप खुद स्ट्रगल करो, तो हम पहले पैदल घूमते थे, फिर वाली साहब की साइकिल चलाते थे, उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा हमारा कुछ नाम हुआ तो हमने मोपेड खरीद ली, तो फिर मोपेड पे हम जाया करते थे दोनों साथ।